नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में जो कि छत पर बना हुआ है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों कि हम जब किसी भी बीज से पौध तैयार करने के लिए हमें कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, किस तरह से हम मिट्टी तैयार करें कि उनमें जो भी बीज हम डालें तो वो पौध बन जाए। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो भिंडी के बीज से देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर पौध तैयार हो रही है और कुछ फूलों वाले पौध उधर तैयार हो रही है। आपको मैं दिखा दूँ एक मिनट। यहाँ पर देखिए ये है गेंदे के फूल जो होते हैं उन्हीं के पौध है। तो ये तो इसी तरह मैं पाट में मतलब डाल दी हूँ ताकि एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े और ये सब्जियों के साथ साथ एक ही पाट में दो काम होता रहे। लेकिन यदि हमें अलग से जब हम बीज से पौध तैयार करेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो सब्जी हो, फल हो या फूल हो, तो इस समय मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि फरवरी से लेकर आप अप्रैल तक कोई भी सब्जी का के बीज से आप पौध तैयार कर सकते हैं या फल फूल कुछ भी हो उसके बीज से आप पौधा तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो हम आज दो तरह से मिट्टी तैयार करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमें उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये है रेतीली मिट्टी। देखिए ये रेतीली मिट्टी है दोस्तों, जिसमें कि रेत की मात्रा काफ़ी रहती है। तो ये रेतीली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप पौध तैयार करें या पौधा लगाएं, उसके लिए रेतीली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ये तो रेतीली मिट्टी है जिसे मैं सुखा करके धूप में और इसे झरने से झाड़ करके बारीक एकदम बना ली हूँ। और ये देखिए ये नॉर्मल मिट्टी है जो कि खेत से लाई हूँ मैं और इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से धूप लगा करके और झरने से झाड़ करके बारीक देखे एकदम बन गया है। तो आपको अंतर दिखाई देगा। देखे ये काली थोड़ी लग रही होगी और ये जो बलुई मिट्टी है रेतीली मिट्टी है वो देखिए आपको थोड़ा सा कलर में डिफरेंस होगा। तो ये दोनों मिट्टी ही अच्छी है यदि आप बीज से पौध तैयार करने जा रहे हैं। तो ये तो रेतीली मिट्टी है दोस्तों, तो इसमें हमें तो रेत मिलाना नहीं है, तो इसमें हम कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डाल करके इसे तैयार कर लेंगे। लेकिन ये जो मिट्टी है, जो खेत की मिट्टी होती है या गार्डन की मिट्टी होती है, तो इसमें हमें इसे बेलड्रिन करने के लिए, इसको भुरभुरी करने के लिए हमें रेत मिलाना होता है। तो इसे भुरभुरी करने के लिए देखें यहाँ पर मैं रेत ले ली हूँ। तो ये रेत जो हम घर बनाते हैं, घर बनाने में यूज होता है रेत, एक सफ़ेद कलर का होता है और एक इस तरह से लाल कलर से आप देख रहे हैं थोड़ा सा अलग कलर होता है इसका, तो ऐसा होता है। दो तरह का घर बनाने में यूज किया जाता है बालू रेत, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं मिट्टी को भुरभुरी बनाने में। तो ये हो गया बालू दोस्तों, और ये थोड़ा सा नीम खली यदि आपके पास हो तो वो भी ले ले, नहीं तो फिर आप नीम के पत्ते से भी आप पाउडर बना करके यूज कर सकते हैं फंगिसाइड के रूप में। और ये है हल्दी। तो हल्दी सबके किचन में होता है, तो हल्दी भी एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड फंगिसाइड होता है, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी एक दवा है जिसका कि यूज हम बगिया में करते रहते हैं। तो हल्दी और ये नीम के पत्तों का पाउडर बारीक है, इन दोनों में से आप एक ले सकते हैं। आपके पास ये नहीं, ये नीम के पत्तों का आप खली या पाउडर नहीं ले सकते, तो हल्दी ज़रूर से डाल दीजिएगा। और अगला मटेरियल है यहाँ पर देखिए ये है कंपोस्ट। तो ये तो गोबर की खाद है, तो कंपोस्ट कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही अच्छी तरह से डिकम्पोज होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। हाफ डिकम्पोज कंपोस्ट का यूज आप जब बीज से पौध तैयार करने जा रहे हैं तो उसमें मत कीजिएगा, नहीं तो आपके बीज में जो है कि फंगस लग सकता है। तो इस तरह से फुल्ली डिकम्पोज कंपोस्ट ले लें, कोई भी जो भी आपको मिल जा रहा है। और अब इसे हमें कैसे मिक्स करना है तो चलिए देखते हैं। गार्डन सॉइल है, खेत की मिट्टी है, उससे हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए एक इस किसी भी चीज़ से आप नाप सकते हैं, तो ऐसे एक डिब्बा है, तो उससे मैं एक डिब्बा रेत ले ली हूँ।
और ये मिट्टी जो है दो डिब्बा रहेगा। देखिए एक डिब्बा रेत और दो डिब्बा नॉर्मल सॉइल। और ये हल्दी है तो इसका हम आधा चम्मच प्रयोग करेंगे हल्दी को। और ये जो नीम खली है उसको भी आधा चम्मच डालेंगे। और रेत एक डिब्बा डाले थे तो कंपोस्ट आधा डिब्बा डालेंगे दोस्तों, क्योंकि जो छोटे छोटे पौध तैयार करते हैं हम जब बीज से तो उन्हें ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए आधा डब्बा ये है कंपोस्ट। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हम डाले हैं वो सब इसमें मिक्स हो जाए मिट्टी में। इस तरह से देखिए ये मिल गया सारा मटेरियल। और इसे हम जिस भी पार्ट में आपको बीज से पौध तैयार करना है उस पार्ट में भर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ली हूँ मैं, और जितने भी होल हैं उन्हें मैं ढक दी हूँ, कवर कर दी हूँ, और इसमें भर दूंगी। तो देखिए ये सारा मिट्टी में भर दी और एक बहुत ही अच्छा बेलडन सॉइल बनकर के तैयार हो गया है बीज के लिए, बीज से पौध तैयार करने के लिए। देख लीजिए इस तरह से हो गया ये। और अभी हम इसमें पानी डालेंगे तो एकदम से ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा, लेकिन मैं दूसरी तरह से मिट्टी तैयार कर लूँगी तब आपको मैं पानी डाल करके दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों रेतीली मिट्टी से जब हम बनाएंगे इसे तो इसे जितना भी आवश्यकता आपको है उतना ले लें। तो एक डिब्बा, दो, तीन, चार, देखिए चार डिब्बा ये रेतीली मिट्टी है तो इसमें रेत की आवश्यकता ही नहीं है। और इसमें हम डालेंगे सारे ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये है हल्दी, तो हल्दी हम ले लेंगे एक चम्मच। और ये नीम खली है तो इसको भी एक चम्मच कर देते हैं। और कंपोस्ट भी इसी डिब्बा से एक डब्बा डालेंगे। तो देखिए ये कंपोस्ट है, इसे भी एक डब्बा डाल दे रहे हैं। और सारा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल हम इसमें डाले हैं सारा मिट्टी में मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से मिल गया। और ये बीज से पौध तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी बनकर के तैयार हो गई है दोस्तों। और इसे अब हम जिस भी पार्ट में आपको बीज से पौध तैयार करना है उसमें भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट है छोटा सा, क्योंकि पौध तैयार करने के लिए बहुत बड़े या गहरे पार्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो सारे होल पर मैं कवर कर दी हूँ ठिकरी से। और इसमें देखिए मिट्टी डाल दूँगी। और इसे हल्का सा इस तरह से ठोक दें ताकि ये मिट्टी जितना भी खाली जगह है कवर कर ले। देखिए दोनों तरह से मिट्टी बनकर के तैयार हो गई है दोस्तों। अभी मैं पानी डाल के आपको दिखा दे रही हूँ कि कितनी बेलडन सॉइल बनी हुई है। अभी कुछ देर बाद देखिएगा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा।
इस तरह से देखिए अभी ड्रेन आउट हो जाएगा इधर से पानी, अभी सूख रहा है सारा मिट्टी। तो इस तरह से आप जब भी बीज से पौध तैयार करना है किसी भी चीज़ का, तो इस तरह से आप मिट्टी बना सकते हैं, रेतीली मिट्टी हो तो उससे भी, या खेत की मिट्टी हो तो उसे भी, इस तरह से करके आप मिट्टी तैयार करके कोई भी बीज से आप पौध तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छा यही रहता है कि आप एक दिन पहले मिट्टी तैयार कर लें, इसके बाद दूसरे दिन आप बीज इसमें डाले जर्मिनेट होने के लिए। तो इन दोनों पार्ट में मैं अगले दिन लगाऊंगी, कुछ फूल वाले बीज हैं फूल वाले पौधों के, और एक फल वाला है, तो उन बीजों को मैं लगाऊंगी, और कैसे लगाऊंगी ये ज़रूर से शेयर करूंगी आपसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।